गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डायमैग्नेटिक ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ा, पैरामैग्नेटिज्म पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। आज हम थर्ड कैटेगरी जो है मैग्नेटिक मटेरियल की, वो है फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ी है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर इज एनी सब्सटेंस, अब वो फेरोमैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है हमें नहीं पता, पर उसकी प्रॉपर्टी से हम पहचानते हैं कि फेरोमैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, अगर एनी सब्सटेंस यू प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट सब्सटेंस मैग्नेटाइज स्ट्रांगली इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दैट मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब जैसे डायमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, यानी पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, सब पेयर्ड रहते, पर पैरामैग्नेटिक में कुछ अमाउंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वैसे ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पर उसकी जो एबिलिटी है मैग्नेटाइज होने की वो पैरामैग्नेटिक से ज्यादा होती है, पैरामैग्नेटिक से ज्यादा होती है। तो कैसी होती है? एक्चुअली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि जितने भी एटम्स हैं, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में वन एटम के मैग्नेटिक मूवमेंट दूसरे मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ इंटरैक्ट नहीं होता, इंटरैक्ट नहीं होता, पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो एटम है वो नेबरिंग एटम के साथ इंटरैक्ट होते हैं। वन नेबरिंग एटम इज इंटरैक्ट विद अनदर नेबरिंग एटम्स। ऐसे कुछ पर्टिकुलर स्मॉल रीजन के लिए जो नेबर एटम्स है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, बाद में दूसरे नेबर, तीसरे नेबर, चौथे नेबर, ऐसे ग्रुप ग्रुप में वो इंटरेक्ट होते हैं। उनके मैग्नेटिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं। तो इंटरेक्ट होने के कारण क्या होता है कि पर्टिकुलर, उसे हम एक्सचेंज इंटरेक्शन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज मीन्स ड्यू टू दिस क्वांटम इफेक्ट, इसको हम क्वांटम इफेक्ट कहते हैं। एक तो इसी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सचेंज इंटरेक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज इंटरेक्शन। अगर एक नेबर एटम दूसरे नेबर एटम के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, उनके मैग्नेटिक मूवमेंट्स इंटरेक्ट हो रहे हैं, डायपोल मूवमेंट्स इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो दिस पर्टिकुलर क्वांटम इफेक्ट इट इज कॉल्ड एक्सचेंज इंटरेक्शन, इसे क्या कहते हैं, एक्सचेंज इंटरेक्शन। ठीक है, अब ड्यू टू दिस एक्सचेंज इंटरेक्शन क्या होता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन्स फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, डोमेन्स। अब डोमेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो क्या होता है कि आज नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स रहने के कारण क्या होता है कि ऐसे डोमेन्स फॉर्म करते हैं, मीन्स ये जो पर्टिकुलर एटम्स है, स्मॉल वॉल्यूम, फॉर स्मॉल वॉल्यूम, दिस इज द टोटल वॉल्यूम, पर आउट ऑफ दिस टोटल वॉल्यूम फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम के लिए इस पर्टिकुलर एक छोटे से जगह के लिए वो एटम्स क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं। यहां में इंटरेक्ट होते हैं और एक दूसरे को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कॉमन डायरेक्शन में ओरिएंटेड करने के प्रयास करते हैं और ओरिएंटेड हो जाते हैं, बराबर है। इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हमने अभी तक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की नहीं है, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में अगर उनका टोटल वॉल्यूम है, तो आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम फॉर पर्टिकुलर स्मॉल वॉल्यूम, फॉर पर्टिकुलर स्मॉल वॉल्यूम द एटम्स आर इंटरेक्ट विद नेबर एटम्स एंड देयर मैग्नेटिक मूवमेंट्स अलाइन इन कॉमन डायरेक्शन, अलाइन इन कॉमन डायरेक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर स्मॉल रीजन, दिस स्मॉल वॉल्यूम इज कॉल्ड, इस स्मॉल वॉल्यूम को क्या कहेंगे, डोमेन, इसे क्या कहते हैं हम, डोमेन, जहां पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट्स की ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शन में होती है, क्या होती है, सेम डायरेक्शन में होती है। एक डोमेन, 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 ये भी डोमेन है, देयर आर नंबर ऑफ डोमेन्स, बट अनदर डोमेन्स हैविंग मैग्नेटिक मूवमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन,
अच्छा डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, ऐसे कह रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वो होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि देयर द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द होल डोमेन्स, अगर हम टोटल डोमेन्स का अगर विचार करें तो द नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस ऑल डोमेन्स इज जीरो। क्या होंगी? जीरो मीन्स इनका मैग्नेटिक मूवमेंट रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो होगा। पर व्हेन यू अप्लाई द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन यू अप्लाई द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये डोमेन से समझने के लिए विचार ही निकालता हूं, अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में है अच्छा अलग अलग डायरेक्शन में है, सपोज इसको मैं नाम देता हूं ए, इसको नाम क्या देता हूं मैं ए, ठीक है। अब मैंने इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किए लेफ्ट टू राइट, अब मैंने इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, इसको क्या किया मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, क्या की है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो वन डोमेन स्टार्ट टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या करेगा खुद को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड खुद को अलाइन करेगा, ठीक है। बाद में जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहे हो, जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहे हो तो दिस पर्टिकुलर डोमेन आल्सो एक्सटेंड द अनदर डोमेन्स, ऑल्सो एक्सटेंड्स इन अनदर डोमेन्स मीन्स इन सबको भी वो पर्टिकुलर कॉमन डायरेक्शन में क्या करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ओरिएंट करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उनको क्या करेगा अलाइन करेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं ये एक्सपांड होते जाता है फिर और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, तो बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम ऐसा हो जाता है कि ऑल द मैग्नेटिक डायपोल्स, all the magnetic dipoles, all the magnetic dipoles are oriented along the direction of external magnetic field, ठीक है, means it is magnetized, all the dipoles, magnetic dipoles are oriented along the direction of external magnetic field, means it is magnetized totally, completely it is magnetized. Such a material is called ferromagnetic material. And second property है कि इसकी जो magnetic field है, after the magnetization, इसकी खुद की जो magnetic field है, means magnetic field present inside the material is greater than this external magnetic field, is greater than, very very greater than external magnetic field. पैरामैग्नेटिक में क्या होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इनसाइड द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज ग्रेटर दैन, जस्ट ग्रेटर दैन, नॉट ग्रेटर ग्रेटर दैन नॉट, बट दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सॉरी दिस मैग्नेटिक फील्ड दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विच इज वेरी वेरी ग्रेटर दैन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट इज ओनली जस्ट greater than external magnetic field, this concept in paramagnetic, ये paramagnetic के related है, ठीक है, just greater than the external magnetic field, but in ferromagnetic material, the magnetic field present inside the ferromagnetic material that is very very greater than external magnetic field because it totally or completely magnetizes means maximum amount means near about all the dipole moments are oriented in the direction of external magnetic field, ठीक है, डोमेन के कांसेप्ट पर समझ में आया, एक एक डोमेन क्या होता है, एक डोमेन पहले ओरिएंटेड होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाद में वो क्या करता है एक्सपांड होता है, और एक्सपांड होने के बाद क्या होता है एक्सटेंड करता है अनदर डोमेन्स को भी, तो हर स्लोली स्लोली क्या होता है फिर ऑल द डोमेन्स आर
aligned in the direction of external magnetic field. Aligned in the direction of external magnetic field. Due to this alignment, total complete alignment, the ferromagnetic material is completely magnetized. Completely magnetized. ठीक है. अब अगर फॉर पर्टिकुलर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए हैं, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैंने पहले बताया कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अगर आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट करते हो मीन्स उसका टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो क्या होगा कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर एंड दिस इज सपोज ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, पर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हो, टेम्परेचर जीरो है यहाँ पे, जीरो से बढ़ाते जा रहे हो the order of alignment of these dipoles, order of alignment of these dipoles, magnetic dipoles movement disturbed. क्या होता है? Disturbed होता है due to the thermal agitation. Due to the thermal agitation. ये बहुत important concept है, ठीक है, ध्यान में रखना आपको कि when you increase the temperature of the ferromagnetic material, then the alignment of this common alignment of these dipoles are disturbed, order of alignment of these dipole movements are disturbed and they oriented in random direction. That's why the magnetization is decreases and at a particular temperature the susceptibility start to decrease means this temperature, the such a temperature above that temperature, the ferromagnetic material convert into paramagnetic material. That temperature is called Curie temperature. उस temperature को क्या कहते हम? Curie temperature means it is the temperature above that temperature the ferromagnetic material convert into paramagnetic material. That temperature is called Curie temperature. ऐसे इसको क्या कहेंगे हम? Curie temperature. And this ferromagnetic material properties means this alignment start to disturb due to the thermal agitation above this Curie temperature and start to convert into paramagnetic material. ठीक है, means this ferromagnetic materials his property is depend upon the excess temperature. Means Curie temperature के अबो जितना भी temperature है, that is called excess temperature. Curie temperature के अबो जितना भी temperature रहेगा, excess temperature. मतलब जैसे-जैसे excess Curie temperature के ऊपर, जैसे-जैसे temperature बढ़ते जाएगा, that is excess temperature. मतलब excess temperature जैसे-जैसे बढ़ते जाएगा, तो susceptibility of ferromagnetic material is destroyed. Means decrease. Now after some value, it is destroyed. बराबर है? Means the susceptibility of ferromagnetic material is directly is depend on inversely proportional to the excess temperature. Paramagnetic kya tha? Inversely proportional to just absolute temperature. This is absolute temperature, but the ferromagnetic material, susceptibility of ferromagnetic material is inversely proportional to the excess of temperature. ठीक है, इनका जो डिफरेंस रहेगा, that excess temperature the ferromagnetic material is dependent. ठीक है, जैसे excess temperature बढ़ते जाएगा वैसे ही ferromagnetic materials are converted into paramagnetic material as shows the paramagnetic properties. ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये dipole moments
एक डोमेन कन्वर्ट होगा, डिस्टर्ब होगा, दूसरा डोमेन डिस्टर्ब होगा, तीसरा डोमेन डिस्टर्ब होगा। मींस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा हर एक डोमेन रैंडमली ओरिएंटेड हो जाएंगे, मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होते जाएगा। दैट मींस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर लॉस एंड कन्वर्ट इंटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, दैट मटेरियल कन्वर्ट इंटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। That temperature is called Curie temperature. Now, above that Curie temperature, that is the excess temperature, the magnetic, ferromagnetic susceptibility is inversely proportional to the excess temperature of the material. Excess temperature of the material. इसे हम कहते हैं Curie Wiese law. This is the Curie law. But this is the Curie Wiese law. इसे हम क्या कहते हैं? Curie Wiese law. That means the susceptibility is equal to C by T minus Tc. That is called Curie Wiese law. इसे क्या हम क्या कहते हैं? Curie Wiese law. ठीक है? ध्यान में रखना है Curie Wiese law. ये भी ध्यान में रखना है. Ferromagnetic material के लिए Curie Wiese law. Paramagnetic material के लिए Curie law. Curie temperature यानी क्या होता है? It is temperature above which the magnetic substance loses magnetic properties, its susceptibility try to decrease, means jaise jaise aap temperature badhaoge susceptibility decrease hoti jayegi, barabar hai? Theek hai, Curie temperature ki dusri bhi definition hai, such a temperature at which ferromagnetic material converted into paramagnetic material. Theek hai, all this about the ferromagnetism. Ferromagnetism में ध्यान में रखना है domains, बहुत सारे domains होते हैं, domains क्यों तक कैसे तैयार होते हैं, due to the exchange interaction, ठीक है, quantum effect. बाद में जैसे आप external magnetic field apply करोगे, हर एक domain दूसरे domain के साथ extend होगा, extend होते होते सभी domain common direction में align होंगे, means along the direction of external magnetic field. कंप्लीटली मैग्नेटाइज होगा बराबर है, मीन्स इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड से वेरी वेरी ग्रेटर लैग होगी, और दिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फॉलो द क्यूरी वीज लॉ. ठीक है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस टेम्परेचर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दिस इज ऑल अबाउट फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म. ठीक है, अब डोमेन कैसे, डोमेन यानी क्या होता है? इट इज अ स्मॉल वॉल्यूम इन विच द डायपोल मोमेंट्स हैविंग सेम ओरिएंटेशन, कॉमन ओरिएंटेशन. ठीक है, दैट इज कॉल्ड डोमेन्स. ना ऐसे बहुत सारे डोमेन रहते हैं, पर एक डोमेन में कितने एटम्स रहते हैं? नियर अबाउट एक डोमेन में कितने एटम्स रहते हैं? 10^11 एटम्स रहते हैं, 10^11 एटम्स रहते हैं. और एक डोमेन का वॉल्यूम कितना रहता है? सर अगर डोमेन इसको कहेंगे, इसको डोमेन कहेंगे, तो इसका वॉल्यूम रहता है नियर अबाउट 10^-18 मीटर क्यूब. इस डोमेन का वॉल्यूम कितना रहता है? 10^-18 मीटर क्यूब. और इस दैट मच स्मॉल वॉल्यूम हैज दैट मच ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, 10^11 एटम्स रहते हैं इतने पर्टिकुलर वॉल्यूम में, स्मॉल वॉल्यूम में, दैट इज कॉल्ड डोमेन. ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? अब एटॉमिक थ्योरी तो हो गई, डायमैग्नेटिक पढ़ लिया, पैरामैग्नेटिक पढ़ लिया, फेरोमैग्नेटिक पढ़ लिया, इसके बाद हम इन तीनों की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, डीपली प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक. ये एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पे हुआ. अब इनको हमें इनकी प्रॉपर्टी डीपली पढ़नी है, बाद में फिर एक दो कंसेप्ट है वो पढ़ लेंगे, चैप्टर क्लोज करेंगे, प्रॉब्लम इस पर प्रॉब्लम लेंगे. ठीक है, थैंक यू.